हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धीरेंद्र डबास। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रैवल देसी में। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कलंगूट बीच, द मोस्ट फेमस बीच इन इंडियंस, भारतीयों में सबसे प्रसिद्ध बीच कलंगूट। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भारतीय जो है इसी बीच पर आते हैं, तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं कलंगूट बीच। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा कलंगूट बीच। यहाँ इस बीच पर सबसे ज़्यादा अपने भारतीय टूरिस्ट आते हैं, और ये यहाँ पे ही नहीं बल्कि बागा, कलंगूट और कैंडोलिम पर जो है, इन तीनों पर ही सबसे ज़्यादा भारतीय आते हैं। तो दोस्तों, अब हम कलंगूट पे पहुँच चुके हैं, और ये है, यहाँ से शुरू हो जाती है कलंगूट की मार्केट। जैसे दूसरे बीचों पर सभी पे जो है मार्केट है, दोस्तों यहाँ पर भी जो है काफ़ी लंबी चौड़ी मार्केट है, और आप इस मार्केट से अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें जो है सस्ती दरों में खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। और यहाँ पे जो है टैटू की काफ़ी दुकानें हैं, जो परमानेंट टैटू और जो है टेम्परेरी टैटू बनाते हैं, तो काफ़ी सस्ते हैं दूसरे शहरों के मुकाबले। तो हम लगभग जो है कलंगूट में पहुँच चुके हैं। कलंगूट एक जो है गाँव है दोस्तों, और कलंगूट जो है काफ़ी बड़े में से, यानी कि ज़्यादा में से जो है फैला हुआ है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं कलंगूट को। तो दोस्तों, यहाँ कलंगूट पर जो है बीच पर आपको जो है चारों तरफ इंडियन रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्टल्स जो है सभी कुछ मिलेंगे। आप जो है यहाँ पर कमरा जो है लगभग 1000 रुपये से शुरू करके आप ऊपर जो है कितना भी महंगा आप यहाँ रूम ले सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स की भरमार है दोस्तों, आपको यहाँ पर खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये है कलंगूट सर्कल, और यहाँ से हम जा रहे हैं अब कलंगूट बीच की तरफ। तो दोस्तों, यदि बात करें कि आप कलंगूट कैसे पहुंच सकते हैं, तो वही थिविम रेलवे स्टेशन से आप जो है कलंगूट बीच आ सकते हैं, डोंबोलिम एयरपोर्ट से भी यहां आ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप यहां से जो है सस्ती दरों में गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बागा बीच से भी और कलंगूट बीच से भी यहां से बसें चलती हैं नॉर्थ गोवा की और साउथ गोवा की, जो मात्र 300 रुपये में आपको जो है पूरा दिन घुमाएंगी, और लगभग जो है पूरा, यानी कि साउथ गोवा भी और नॉर्थ गोवा भी जो है जो मेन बीचेज़ हैं उन पे जो आपको घुमा देंगे। तो आप सस्ते में यहाँ जो है बसों से भी घूम सकते हैं गोवा को। तो दोस्तों, गोवा में जो है केवल बीच ही एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, गोवा में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने का। तो आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप नॉर्थ गोवा में बीचों के अलावा भी और आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे टेंपल हैं, चर्च हैं, वाटरफॉल हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है गोवा में घूमने लायक। तो आज हम आपको लेके आए हैं कलंगूट बीच पर। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप कलंगूट बीच पर जो है क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आप जैसा कि दूसरे बीचों पर जो आप कर सकते थे, वही मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक, शाम को जो है सनसेट, ब्यूटीफुल जो है नज़ारा होता है सनसेट का। दूसरे, आप जो है दिन भर यहाँ शेक्स पर बैठ के जो है अपना दिन को जो है इंजॉय कर सकते हैं, समुंदर में नहा सकते हैं जैसे कि ये दूसरे लोग नहा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स दोस्तों कलंगूट और बागा पर ही हैं। तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जो है आप करेंगे, तो यदि आप यहाँ पे बार्गेन ज़रूर करना, क्योंकि जो आपको प्राइस बताया जाता है दोस्तों, उसमें जो है बार्गेन यहाँ पे चलती है। यदि आप जो है टूरिस्ट ज़्यादा हैं तो बार्गेन पक्का होगा, और आप यहाँ पर जो है कलंगूट बीच पर सबसे सस्ते वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने जो है पर्यटक यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, देखिए। तो आप जो है यहाँ पर जाकर वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं।
जो सस्ती दरों में लगभग जो है यहाँ पे पैकेज भी पूरा मिल जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है पैरासेलिंग, बनाना राइड और जो है जेट स्की, और दोस्तों इसके अलावा जो है कई सारे और जो है वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। आप इसमें यहाँ पर जो है उस पैकेज में आप स्कूबा डाइविंग भी जो है ऐड करवा सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के जो है दोस्तों यहाँ पर पैकेज हैं घूमने के, और यहाँ पर आप सुबह जो है ना डॉल्फिन देखने के लिए जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डॉल्फिन भी दिखाई जाती हैं, और आप जो है आइलैंड टूर पे भी जो है यहाँ पे कलंगूट पे जा सकते हैं। एक आइलैंड टूर है दोस्तों, लगभग 1000 से 1500 रुपये के बीच में आप इसमें भी बार्गेन कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ से कलंगूट बीच से पूरा गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कलंगूट बीच को तो आप एक्सप्लोर करोगे ही। आप यहाँ से दोस्तों अरम्बोल, मोरजिम, आश्विम और मांद्रिम बीच को भी यहाँ से आप स्कूटी से या फिर गाड़ी जो है रेंट करके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बागा के बाद अब बारी आई है कलंगूट बीच पे, तो अभी आपको कलंगूट बीच और एक्सप्लोर करवाते हैं। हालांकि पिछली बार भी करवाया था कलंगूट पे, केवल और केवल अपने इंडियन टूरिस्ट, और भरमार है भाई, यहाँ किसी को डर नहीं लगता कोरोना से, मुझे भी नहीं लगता क्योंकि मैंने भी मास्क नहीं लगा रखा, और ये देखो किसी ने भी नहीं लगा रखा, किसी ने भी, और इतनी भीड़, माय गॉड। तो बात मैं कर रहा था कि कलंगूट बीच जो है मोस्ट फेमस बीच है इन इंडियंस, भारतीयों में सबसे प्रसिद्ध बीच है कलंगूट, बागा और कंडुनी। तो इसका प्रूफ आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है, तो इस भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कलंगूट बीच सुप्रसिद्ध बीच है। तो बात कर रहे थे कि हम इस पर मान लीजिए रुकने की, तो आप इस पर जो है 400-500 रुपए से लेके ऊपर कितनी भी महंगी प्रॉपर्टी यानी कमरा आप ले सकते हैं। आपको यहाँ 500-600 से कमरे शुरू हो जाएंगे थोड़े सा अंदर, और इन बीच पे के आसपास जो छोटे छोटे कमरे हैं वो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये एसी वाला कमरा आपको आसानी से मिल जाएगा। और बात करें बागा की, तो बागा पे भी मैं पिछली बार जो एंजेलिना बीच रिजोर्ट में रुका था उसकी कीमत भी 1250 थी। आज मैं फिर पूछ के आया उसी पे, तो उसने जो है आज बताया 1500 रुपये, लेकिन वो बार्गेन करके मेरे हिसाब से एसी रूम आपको 1000 रुपये में आसानी से दे देगा। तो आप किसी भी बीच पर रुकते हैं, चाहे वो अरम्बोल है, मोरजिम है, आश्विम है, मांद्रिम है, कलंगूट है, बागा है, कैंडुलिम है, तो सस्ते कमरे यदि आप खोजेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे। और आपको पता है हॉस्टल्स भी हैं यहाँ पे, तो हॉस्टल्स 500 रुपये से शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसमें प्राइवेसी नहीं होती भाई, बहुत सारे लोगों के साथ जो है रूम शेयर करना पड़ता है। यदि आप दो फ्रेंड्स भी आते हैं तो 1000 रुपये में आपको आसानी से एसी वाला कमरा मिल जाएगा, नॉन एसी लेना है 700-800 रुपये तक मिल ही जाएगा। तो आप जो है इन बीचों पर अपना समय बहुत ही अच्छा बिता सकते हैं। ये देखिए कलंगूट बीच की कुछ भीड़ कम हुई है, पीछे कलंगूट बीच रह गया है, और हम पैदल आगे की तरफ यानी कि कैंडोलिम की तरफ जा रहे हैं। तो कलंगूट और बागा इंडियन टूरिस्ट से भरा हुआ है खचाखच। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कलंगूट बीच पर जो है इंडियन टूरिस्ट की पूरी भीड़ थी, तो आपने देखा कि और कहीं किसी भी बीच पर इतनी भीड़ नहीं थी किसी भी टूरिस्ट की, तो फॉरेनर टूरिस्ट कम था, लेकिन यहाँ इन दोनों बीचों पर, बागा पर भी और यहाँ कलंगूट पर भी जो है इंडियन टूरिस्ट की जो है भरमार थी। तो आपने देखा दोस्तों ये था कलंगूट बीच। आप इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है क्या एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बीच शेक्स पर बैठ के आप जो है कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं शाम को, और यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ दोस्तों फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आप जो है फैमिली के साथ जाते हैं तो आप जो है यहाँ
कलंगुट बीच पर रह सकते हैं। यहाँ आसपास जो है देखने का, लाइफ जो है एंजॉय करने का बहुत कुछ है। नाइट क्लब्स हैं यहाँ पे, या फिर आप जो है सामने समुंदर के किनारे बैठ के अपना जो है डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो है, जैसे मैंने आज कलंगुट बीच दिखाया, तो इससे अगला बीच है कैंडोलिम, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आप इन तीनों बीचों को जो है एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।